धन्यवाद अभिषेक जी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी और यहां पर उपस्थित सभी मानव और उपस्थित सभी डेलीगेट्स। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं प्रोग्रेसिव काउंसिल को कि उनके इस प्रयास के लिए जो कोशिश है और लखनऊ शहर में जो किया है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ जहां बात आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने छोड़ी थी वहीं से बाद में शुरू करता हूं। आपने कहा कि ड्राइवर और कार का एक बेहतरीन उदाहरण आपने दिया और हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं हम लोग जानते हैं कि ड्राइवर यहीं से निकल करके आता है और जिसको देश का ड्राइवर बनना भी है अगर तो फिर यूपी में आइए आप। और जो लोग खबर को फॉलो कर रहे होंगे वो जानते होंगे इधर यूपी के ड्राइवरों ने कमाल किया है। एक ड्राइवर बस चलाते चलाते वो भूल गया कि एक्सप्रेसवे पे बस चला रहा है और वो लूट लो खेलने लगा। ये अलग बात है, किसी ने तस्वीर छापी और तस्वीर छपने के बाद वो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये ठीक बात है कि हमारा देश की उलझा हुआ है कुछ और कुछ लोगों ने उसका साथ लिया। अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां। यह तमाम वो सवाल जिन पर लोगों ने मतदान कर दिया क्योंकि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात है। हम यूपी के लोगों ने यहां पर सुना कि अब चाइना से मंजा नहीं आएगा लेकिन कुछ रुका नहीं वहां से। हम एक तरफ अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम कैसे मुकाबला करेंगे अपने पड़ोसी देश से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो चीजें दिखाई दे रही हैं हम तो कह सकते हैं हम समाजवादी लोग हैं कम से कम एक कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश में दे करके दिखाया है। हालांकि हो सकता है कि वो सॉल्यूशन ठीक ना लगा हो। ये सड़क जो समाजवादी लोगों ने बनाई एक्सप्रेसवे, इसके किनारे मंडियां बनाना शुरू किया, किसान को सुविधा, शहरों को जोड़ा, गांव को रास्ता दिया और फिर जरूरत पड़ने पर देश को कम से कम बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया कि अगर इमरजेंसी है तो यहां पर एयरक्राफ्ट उतारो और देश की भी सेवा करो। हालांकि डिजिटल इंडिया की बहुत बात हो रही है लेकिन जितने समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांट के दिखा दिए शायद ही किसी ने बांटे होंगे। और ये मैं नहीं कहता, एक एक लैपटॉप की कहानी है। हमने निकलवाया कि आखिरकार ये लैपटॉप कर क्या रहे हैं, गांव में जाकर के आखिरकार हो क्या रहा है इनका, और उसकी बाकायदा हम लोगों ने जानकारी की क्योंकि लोग मजाक करते थे, लोग कुछ और बातें कहते थे। लोग कहते थे कि किन के हाथ में आपने लैपटॉप दे दिया, जो चलाना नहीं जानते थे। लेकिन जिस समय पहुंचा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जिन लोगों के हाथ में भी पहुंचा वो चलाना सीख गए, न केवल खुद चलाना सीखे बल्कि पूरे के पूरे परिवार को चलाना सिखा दिया और गली मोहल्ले के लोग भी चलाना सीख गए। शायद हमने टेक्नोलॉजी से डर निकाल दिया हो क्योंकि गांव के लोग डरते हैं, उनसे कोई बात कह दो कि ये बात कंप्यूटर से होने वाली है तो घबरा जाते हैं, आखिरकार है क्या। कम से कम हम लोगों ने उस समय पर बांट करके दिखा दिया कि हां इससे डर निकाला जा सकता है। ये जो आबादी का सवाल है, अगर देश समझे तो 130 करोड़, यूपी की आबादी समझे तो 23 करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं। ये अपने आप में देश है और यूपी बिना शायद कुछ बनता नहीं। और वो शुरुआत यूपी ने की है, जो चीज
पांच साल पहले चार साल पहले फैसला लिया था वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नहीं सोचता था कि गोरखपुर में ऐसा परिणाम आ सकता है। यहां की जनता बदली, एक बार तो शायद वोट दे दिया उसको लेकर के, लेकिन दोबारा नहीं उस बात को समझ माने। इसलिए जनता क्या चाहती है, हम तो डेमोक्रेसी में एक ही बात समझते हैं कि जो जनता को दुख देता है, परेशानी देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। वो वही उदाहरण है आपका गोरखपुर का, वही उदाहरण है फूलपुर का। हम लोग क्या चाहते हैं अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं बेईमानी है राजनीतिक दलों की। लोग क्या चाहते हैं, लोग जो चाहते हैं अगर हम ना समझ पाए, अभी इतना बड़ा आंदोलन देश में हो गया, आंदोलन दलित आंदोलन हुआ, सड़कों पर लोग आ गए, सरकार उलझन में रही कि आखिरकार क्या करें। बाद में अखबारों में खबर मिलती है, पढ़ने को मिलता है कि आंदोलन इसलिए हो गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ गए और आंदोलन इतना बड़ा सड़कों पर दिखाई देने लगा। अगर सरकार यह समझे सोशल मीडिया की वजह से तो सवाल क्या था। तो आज सूचना किसी से रोकी नहीं जा सकती। जिस समय मैं इलेक्शन में था पिछली बार और उस समय देश के वरिष्ठ पत्रकार हमसे पूछे कि आखिरकार आप क्या चुनाव में देख रहे हैं, इस बार जो नया हो रहा है, नया क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कहा कि मैं झांसी में था और मैंने उन्हें तस्वीर दिखाई, जितने लोग रैली में आए थे वो सब कम उम्र के थे और जो उन्होंने पहन रखा था 90% जींस पहनी हुई थी और सबके हाथ में मोबाइल था। मैंने कहा ये परिवर्तन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं। और मैंने झांसी में देखा वो राड विधानसभा में, और वैसा ही मैंने देखा देवरिया की आखिरी विधानसभा में जो हमारी बिहार को छूती है। अगर हम लोगों को नहीं समझेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, अभी एक दल ने सपना दिखा दिया कि अगर ये गाय हमारी जो मां है इसके पीछे पीछे हम चलेंगे तो सब खुशहाली इसी से आने वाली है, लोग चल दिए। और आज वही लोग जो चले थे वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इससे पीछा कैसे छुड़वाएं। हमारी गाय मां प्राइमरी स्कूल में बंद है, लोग खेत बचाने के चक्कर में प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया क्योंकि नौकरी पे बात नहीं करना चाहते, रोजगार की बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी पे बात करेंगे तो न केवल यहां का हिसाब किताब बल्कि दिल्ली के चार साल के भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो यहां आए थे, वो वोट रमजान और दिवाली पर मांग के गए थे, कोई विकास के लिए थोड़ी मांग के गए थे। उन्होंने कहा कॉपी बदल गई है इसलिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन बताया नहीं किसकी कॉपी बदली। यहां के लोगों ने समझ लिया कि शायद कोई यादव होगा उसको जिताने के लिए या उसको पास करने के लिए उसकी कॉपी बदल दी गई होगी। अभी तो अखबार में कुछ और पढ़ा भी कि शराब कुछ लोग पीते हैं। देखो हमें कहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, हम तो यही अभी तक समझते रहे कि जो लोग चाहें वही लोग शराब पीते हैं, कोई जाति थोड़ी शराब पीती है, लोग पीते हैं। और फिर जो लोग सत्ता में हैं जो देख रहे हैं सपना, वो जाने कैसा सपना देख रहे हैं। अगर उनके सपने के हिसाब से हम लोग चल दिए तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। और लोकतंत्र में जिम्मेदारी प्रेस की सबसे बड़ी है क्योंकि हमने तो देखा है अगर एक घटना हो जाती थी तो हमारी तस्वीर टीवी पे दिखाई देती थी। चार साल अगर किसी ने फेमस हमें किया है तो टीवी के लोगों ने फेमस किया, हमारे काम से हम फेमस थोड़ी हुए हैं। अब तो घटना हो जाए तो शायद तस्वीर नहीं दिखाते। अब ये राजनीति में जो मैनेजमेंट आई है चीज, मैनेजमेंट,
ये राजनीति का जो मैनेजमेंट है और राजनीति में जो नई तरह की चीजें आई हैं, इससे कैसे बचोगे? क्योंकि राजनीति मैनेजमेंट से होने लगे और केवल एक इवेंट के आधार पर लोगों का दिमाग बदल जाए तो कैसे निकलेंगे आप? कौन पूछेगा असली सवाल? आप क्या लाए हो, क्या बनाए हो? कुछ नहीं। अगर जेब से अगर कभी एक पुड़िया निकाल दी बीजेपी के लोगों ने, जो कभी कभी निकालते हैं, उनके पास है ऐसे इंतजाम। उनके देखिए भाषा, देखिए उनकी। आपने ठीक कहा कि जो डिजिटल इंडिया है, 1,000 रुपया 10 लोगों के हाथ से गुजर जाए 1,000 रुपया बना रहेगा, लेकिन हमें बताओ पढ़े लिखे लोगों, हम तो कहते रहे कि ये नोट काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। 1,000 रुपया अगर निकल जाए 10 लोगों के हाथ से तो 1,000 रुपया रहेगा, और सोचो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगर हाथ से निकल गया, 1,000 लोगों के बीच से निकल गया, तो क्या बचेगा? पैसा किसकी जेब में जा रहा है? सपना क्या दिखाया, सच्चाई क्या थी? इसलिए लोकतंत्र में जो नया मैनेजमेंट वाला मामला आया है, इवेंट वाला मामला आया, इससे तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। कहां कहां उंगली उठ रही संस्थाओं पर, हम भी साफ नहीं है, राजनीति करने वाले भी साफ नहीं है, तो अब तो और संस्थाओं पर भी उंगली उठने लगी है। और शायद ये जो लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, यही लोकतंत्र की ताकत है। जो लोग निकल पड़ते हैं अब बदलाव के लिए, और फिर क्या हो मुद्दा, विकास को छोड़ दें? हम समाजवादी लोगों ने बेहतरीन काम किया, गंगा साफ कितनी होगी, कितनी हो गई होगी, वो तो वही जानते होंगे जिन्होंने गंगा साफ करने का फैसला किया होगा। इस गोमती के लिए समाजवादी लोगों ने फैसला लिया कि गोमती को साफ करके दिखाएंगे, और मैं आज भी कहता हूं, आज भी नाले जोड़ दिए जाएं तो देश की पहली नदी होगी जो शहर के अंदर से साफ गुजर रही होगी, साफ बेहतर पानी बह रहा होगा। मॉडल हमारा, इसी को अपना ले शायद। तो इसलिए बहुत सारे और सवाल हैं, क्योंकि देश का सवाल बड़ा है। देश तभी बचेगा जब यूपी बचा पाएंगे हम लोग, और यूपी ही तय करता है, और मैं समझता हूं यहां की जनता ने शुरुआत कर दी है कि किसी फैसले को ये पसंद नहीं कर रहे। जो फैसला केंद्र ने लिया, प्रदेश ने लिया, उस फैसले के साथ नहीं चलने वाले यहां के लोग, क्योंकि जो उन्होंने जहर बोला था, जो जहर घोला था उन्होंने, वो जहर हम नहीं घोलने वाले। अगर वो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं तो कम से कम हम लोग कैसे जोड़ें जिससे हमारी गिनती बढ़ जाए लोकतंत्र में, वो काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बधाई आपको जितने भी स्पीकर्स आए, क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने बताई होंगी, और मैं समझता हूं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो कहा होगा, जिस तरीके से डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म समझाया होगा, शायद वही हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है। अगर उसी पर हम चलें, रास्ता निकालें, तो शायद समाज भी खुशहाल होगा, देश भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।